लेकिन कभी कभी ऐसे इंसान भी जन्म लेते हैं जो अपना नाम अपनी याद तारीख में नहीं लोगों के दिलों में महफूज कर जाते हैं। ऐसा ही एक इंसान था दयावान। स्वामी जो खून करके भाग गया है ना, ये उसका बेटा है शक्ति वेलू। ये बाप का पता जानता है लेकिन बता नहीं रहा है। शर्म नहीं आती इतने से लड़के को मारते हुए? डरो मत बेटे, मेरे रहते हुए तुम्हारे बाप को कोई खतरा नहीं। इसको बोलो जाकर अपने बाप से कह दे कि उसे कुछ नहीं होगा। अय्या सोल रहा रे उंगा पाव की आप तुम सारे प्राण कोई सोले साहेब। असली कातिल तो बड़ा आदमी है, गांव का सरपंच है, उसके ऊपर हाथ डाल नहीं सकते। अगर मुन्नू स्वामी भी पकड़ा नहीं गया तो डिपार्टमेंट को हम क्या जवाब देंगे? उसकी नौबत ही नहीं आएगी। देखा कितनी आसानी से मारा गया। डिपार्टमेंट अब हमसे कुछ नहीं पूछेगा। रिपोर्ट कर देंगे कि मुनुस्वामी पुलिस से मुकाबले में मारा गया। बाप नाश्ता दे अपुन का, लूट लो। एक को मिलकर इतने मार रहे हो? काम तुझी साले, हट बेटा, फट फट फट। अकेले को देख के मार दो। हाँ काम तुझी। हाँ अरे चल बाजू में, बाजू में बता दो। अरे चल तुझे जेवन लूट लेगा। मी शंकर वाल मारे। अपन कौन? इनका हिंदी वर्ड ले। ओ हिंदी नहीं आती, मद्रासी है। मेरे को तेरी भाषा थोड़ी थोड़ी आती है। ये ना? तेरा नाम बता। पैर ना उनके पाँव में तेरू माँ। हाँ रे आती है थोड़ी थोड़ी। कुंजू कुंजू तेरा नाम बता। पैर ना जम पैर शक्ति वेलू। ओ शक्ति वेलू, शक्ति वेलू खाना पुड़ोंगिट्टू ओड़ी विटांगला। इनका केट रहा नाल कुड़ो तरीके। अरे वाह वो मांगते और तू दे देता, बड़ा दयावान है रे तू। फिर लड़की रहा था पोटे इधर का इसके लिए सोने का है क्या? इधर तंगा माँ तेने
पीतल तंगत है मेला रेख पीतल का है सोने से जास्ती कीमती बम्बई में नया है बम्बई पूछा परीक्षा तेरे फेल आई तो परीक्षा में फेल नहीं हुआ फिर माँ बाप से झगड़ा अम्मा अपा किटे चंडे पोटे ओड़ी वाणी दिया एनका अप्पा इल्ले अम्मा इल्ले वीड़े इल्ले माँ नहीं बाप नहीं घर नहीं गम्मत जाली रे अपुन तेरे साथ फुटपारी का राजा है इस शहर में काय को आ रहे बम्बई यहाँ तक ओड़ी बंदे पूरी पुलिस कार्ड ने कौन दी बटन तुम्हारी दीवा पुलिस वाले को मार दिया तू तो अपन से भी आगे है बाप बाबा आओ हाँ बेटे नमस्ते करीम बाबा नमस्ते बेटा ये शक्ति वैलू है बेचारे का घर नहीं माँ नहीं बाप नहीं खाली हाथ भोला नाथ है अपन के जैसा इसके बाप को खून के झूठे दोष में पुलिस ने ठार कर दिया इसने पुलिस वाले को ठार कर दिया बेचारे का खाना भी उक्कर चोरे छीन कर ले गए बाबा आओ बेटा बैठो आओ आओ लो बेटा जो हाजिर है वो खा लो बाबा मुझे नहीं कहोगे खाने के वास्ते तुझे कहने की क्या जरूरत है बेटी थोड़ा सालन दे दो लो भैया खाओ शर्माता काय को है रे खा रे अपने बाप का माल है शापड़ शंकर भैया तुम तो गप गप खा रहे हो शक्ति भैया को भी खिलाओ ना इसको आत्मा नहीं है क्या मैं खिलाती हूँ शक्ति भैया को लो भैया खाओ अरे खाओ ना भैया खा खा ले बेटा खा ले शंकर भैया शक्ति भैया इधर आओ पूछता है तुम रोज दरगाह जाते हो दिन में 5 टाइम नमाज पढ़ते हो रोजा रखते हो फिर भी ये काम अच्छा है क्या बाबा ये पूछता है बेटे जिस काम से 4 आदमी का भला हो उसे मैं बुरा नहीं समझता समझे शंकर किधर देखो ना भैया राखी के दिन ही नहीं है अरे तुझे तो मालूम है वो मस्त मौला है शाम तक आ जाएगा
ये रख ले, तेरा भाई बहुत गरीब है शमा। अल्लाह तुम्हें बहुत देगा। देगा, बराबर देगा। अल्लाह तेरा बात सुनता है। एक दिन मैं तेरे को 50,000 देगा। धूमधाम से तेरा शादी करेगा। हफ्ता तो पहुंचा दिया था इसको भी और कचरे वालों को भी। फिर रतन सिंह काय को आया इधर? तारा के वास्ते आया होगा, उसके ऊपर बहुत दिन से नजर रखा है आरामखोर। रस्ते का माल सस्ते में चले, रस्ते का माल ये क्या टके टके का माल बेच रही है तू? कौन सा माल? कितनी भोली बनती है साली। ए, मर्द के बिना कब तक रह सकेगी तू? कितनी बार कहा है तुझे आजा रात को मेरे पास? देख, अगर मैं जाऊं तो तुझे जबरदस्ती उठा के ले जाऊं। अरे जवान विधवा तो सुना है साहेब, आपकी माँ भी जवानी में विधवा हुई थी। जुबान खींचूंगा बुद्धि से, धंधा बंद कर दूंगा तेरा, फुटपाथ तेरे पास रह गया। क्या देख रहे हो हरामदादो, क्या देख रहे हो? तोड़ दो इनके दुकाने, उखाड़ दो इनके झोपड़े, नामो निशान मिटा दे इस बस्ती का। चलो आओ।
नहीं बोलेगा, अब नहीं बोलेगा हरामजादा। के दिन तेरे भाई को पुलिस ने लोहे की राखी पहना दी थी साला। हाय अल्लाह, क्या गुनाह किया था? क्षमा, अपन का जिंदगी गुनाह है। लड़की ने तीन पत्ता खेलने गया था, क्लब वाले ने हफ्ता नहीं दिया, पुलिस ने हफ्ता भर अंदर कर दिया। अपन का तो ऐसे ही चलता है। खैर तू ये बता साला, अपना दोस्त शक्ति कैसा है? शक्ति भैया पर राखी के दिन बड़ी मुसीबत आई। तुम नहीं थे, शक्ति भैया अकेले पड़ गए, कौन उनकी मदद को नहीं आया।
वो इंस्पेक्टर रतन सिंह है ना? क्या किया रतन सिंह ने? क्या थी? भाई दाला रे, तेरे को इंस्पेक्टर रतन सिंह ने मारा? रतन सिंह क्या मारेगा? मारा अपना तकदीर ने। तकदीर वकदीर कुछ नहीं रे, मैं आज रतन सिंह जी। शंकर, परवाह नहीं रे। मार खाने से बॉडी बनता है, ये देख, देख। सच्ची रे, मस्त लोखन का बॉडी है मेरे यार का, मस्त है रे, मस्त। अच्छा बोल, तीन पत्ता में माल कितना कमाया? माल आया भी और गया भी, अब तो हाथ खाली, जेब खाली, पेट खाली, नो मनी, पना पानी। मजाक नहीं, इतना दिन किधर था, मेरे को बोल के नहीं जाता, चिंता होता। अब के अंदर जाएगा तो बोल के जाएगा रे। चल जाए पिला, पिला। नमस्ते बाबा। सलाम बाबा। बाबा कहाँ जा रहे हो तुम? दरिया पे जा रहा हूँ बेटा। मैं तुम्हारे लिए दवाई ला रही हूँ और तुम दरिया पे जा रहे हो। इतना तेज बुखार है तुम्हें, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तू समझ, चलो चल के आराम कर। तू समझती क्यों नहीं बेटी, मेरा जाना जरूरी है। तू घर जा, मैं शाम में आकर दवा ले लूंगा। बाबा मेरी बात नहीं मान रहे। क्या हुआ? उनको बहुत तेज बुखार है और दरिया पे जा रहे। चला। बाबा, तुम किधर जाता? ओह, बाबा तुम दरिया पर नहीं जाएगा। बेटा मेरा जाना जरूरी है, मैंने जुबान दी है। तोरा स्वामी दूसरे आदमी से काम लेगा, तुम नहीं जाना। मैं तोरा स्वामी की बात नहीं कर रहा, मैंने किसी और को जुबान दी है। किसको? गोपाल को। बेचारे के पास अपनी माँ की चिता के लिए भी पैसे नहीं है। अगर गोपाल से किया वादा पूरा नहीं किया तो मैं अपने खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा। अगर ऐसा बात है तो मैं जाएगा। मैं बाबा को रोक रही थी और तुम शुरू हो गए। ये ठीक कह रही है बेटा, मैं नहीं चाहता कि तुझे इस काम पर लगाऊं, ये जान जोखिम का काम है। तुम्हारा जान जोखिम तो मेरा जान जोखिम, मैं दोरा स्वामी का माल निकालेगा। बेटा ये काम ऐसा नहीं है कि तू करे, तू बहुत अच्छा लड़का है, क्यों इस काम में पड़ता है? बाबा, तुम बोला था ना कि जो काम करने से चार आदमी का भला हो वो काम बुरा नहीं, बोला था ना? साला दोरसामी इस हेरा फेरी के धंधे में लाखों रुपए का माल कमाता होगा रे, और अपन खाली हाथ भोला ना। क्या क्या आज अपन थोड़ा माल गोल कर ले, क्या विचार है? नहीं नहीं, हम लोग बाबा का जगह ये माल निकाला, और बाबा बेईमान लोग का काम भी ईमानदारी से करता। ठीक है करता रे, लेकिन बाबा को ईमानदारी का इनाम क्या मिलता है? सिर्फ 200। कितना? सिर्फ 200। सोच रहे जरा सोच। ले रे, पकड़ अपने 200 और माल दे। 200 नहीं, 2000 निकाल। 2000? क्यों रे, तू 200 के आगे सुनता नहीं क्या? निकाल 2000, निकाल। अरे पर दोरा स्वामी तो करीम भाई को हमेशा 200 रुपए देता है। दोरा स्वामी हमेशा बाबा का खून चूसता। नहीं, अब ये तुम्हारा धांधली नहीं चलेगा। अच्छा, बहुत शाना बनता है क्या? क्या रे? साला खोचू। Thank you.
करीम के सपोले 2000 रुपए ले गए, तुम नमक हराम दिया है। बुढ़े ने उनको आगे करके मेरे साथ सौदेबाजी की। इसी सजा दिलाऊंगा गद्दार को, जिंदगी भर याद रखेगा। तू जा, इंस्पेक्टर रतन सिंह को बुला के ला। वालेकुम सलाम। आओ बेटा, तुम पहली बार कश्ती पे गए थे, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं बाबा, कोई तकलीफ नहीं हुआ, सब ठीक था। बाबा ये लो तुम्हारा मजूरी। ये इतने रुपए? 2000 लिए हैं बाबा। 2000? लेकिन मेरी मजदूरी तो 200 रुपए है, ये तो बहुत ज्यादा। ज्यादा नहीं है बाबा, तुम सीधा है ना, वो लोग तुम्हारा खून चूसता। जान जोखिम का कीमत 2000 भी बहुत कमती है। नहीं बेटे, जुबान की कीमत जान की कीमत से बहुत ज्यादा है। मुझे तो अपने 200 ही चाहिए। और बाकी तुम्हारी मेहनत के हैं, तुम ले लो। मैं अरे ले ले रे, बाबा बोलता है ले ले तो ले ले, इसमें जिद काहे का? अगर बाबा मेरे को बोलता तो मैं फाड़ के ले लेता। तुम दोनों आपस में बांट लो। देखा। अच्छा बेटे, अब मेरी नमाज का वक्त हो गया है। जय बाबा की। चल चल रे। ये तो गमत जाली रे, चल जाके 3 पत्ता खेलते हैं। पासू साला बहुत माल जीत गया था उसे, आज जाके उसकी पॉकेट खाली करते हैं, मजा आएगा। शंकर तू खेलेगा, मैं बुद्धू के माफक बैठेगा, तेरा मजा मेरा सजा। शक्ति तू तो एकदम सूखा साका तीसरा पाका है रे, ना तो साला तू दारू पीता है ना पत्ता खेलता है, क्या करूं तेरा। खैर चल, आज अपन तेरे को ऐसी जगह ले जाएगा चार साला, तेरा भी मजा अपन का भी मजा। चल अबे चल रे, बताता हूँ। नहीं, नहीं, अरे ऐसे नहीं जाएगा, उधर नहीं जाओ। नहीं, अरे तेरे चक्कर में आया कि क्या? कुंडली मारकर बैठी है रानी। ए शंकर आजा, तेरी जन्म कुंडली बदल दूंगी मैं। अरे अरे वाह मेरे प्यारे। ये देख। हाय मैं सबके, ये नवा बुलबुल कौन है शंकर? अपना यार है, क्यों? कत्तीस मस्त है रे। ए शंकर जा मजा कर। शंकर टाइम खोटा मत कर यार, जा मजा कर, मैं बाजू के कमरे में हूँ। बाजू के कमरे में? नहीं तो क्या ये कमरे में रहूंगा? साला अजीब घन चक्कर है तू। जा। एक विनती है आपसे। बोलो। अगर आप मुझे 1 बजे तक छोड़ दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। काय को और पैसा कमाने का है क्या? नहीं, कल मेरा इम्तिहान है। हा? थोड़ा वक्त बच जाएगा तो मैं पढ़ाई कर लूंगी। तुम पढ़ती है? हम्म।
बाहर आओ, बाहर आओ। क्लास में पढ़ती है इंटरमीडिएट मैट्रिक का पहले या बाद का क्लास है? बाद का। हाँ, बहुत मुश्किल पढ़ाई। हाँ। अच्छा, मैं जाता है। नहीं, चले गए तो भाई दूसरे आदमी को भेज देगी, पता नहीं वो कैसा होगा। आपके दिल में दया है, आप मत जाइए। मैं 1 बजे के बाद इम्तिहान की तैयारी यही कर लूंगी। तुम्हारा किताब किधर? हम इधर ठहरता, तुम पढ़ो। पढ़ो।
शंकर, शंकर जत्ती, तू भी कमाल का आशिक है रे। सुबह सुबह सर मत खा, तू जा, मैं आता हूं। शक्ति, शक्ति रात को पुलिस आई थी, करीम बाबा को उठा कर ले गई, अभी तक नहीं लौटे। बाबा को पुलिस ले गया, काय को? पता नहीं क्यों। क्षमा किधर? वो भी पुलिस स्टेशन गई है। बाबा किधर? मेरे बाबा को मार डाला। मार डाला? मेरे बाबा को मार डाला मिया। कहते बाबा ने खुदकुशी कर ली। बाबा खुदकुशी नहीं कर सकते भैया। बाबा को इंस्पेक्टर रतन सिंह ने मारा। भैया छोटे बच्चे ऐसी जगहों पे नहीं आया करते, ठीक है? अब तू आ ही गया है तो पी ले। अंग्रेजी दारू है, तेरे बाप ने भी नहीं पी होगी। Oh, my God.
दिल का पता चला? अभी तक कोई पता नहीं चला सर। किसी पर शक है? नहीं सर, तहकीकात जारी है सर। हटा। हॉरिबल। कहाँ कान है? कोई नहीं सर। हैं? कोई कुछ बोलता ही नहीं सर। जिसे पूछो बोलता है कुछ नहीं देखा। या तो चुपचाप रहता है सर, कोई अपनी जुबान तक नहीं खोलता। तुमने पूछा होगा शराफत की जुबान में, अब मैं पूछता हूँ अपनी जुबान में। बोल, किसने मारा इंस्पेक्टर को? बोल, बोल क्या क्यों नहीं? मेरे को मालूम नहीं। कत्ल सबके सामने हुआ और किसी ने कुछ देखा ही नहीं। सुनो, ये बच्चा तब तक पिता रहेगा जब तक तुम में से खुद कोई आकर ये नहीं कहता कि साहब मैंने देखा है। बोल! बोल, बोल, वरना मैं तेरी कान में गिरा दूंगा। मैं बताती हूँ साहेब। ओह, तुम बताओगी? गुड, तुमने देखा है सब कुछ? सब कुछ देखा है साहेब। किसने मारा है इसे? जिसने भी मारा है जवान मर्द है साहेब। हम सबको उस पे गर्व है कि हम में से ऐसा भी कोई है जो रतन सिंह जैसे भेड़िये को मार सकता है। जवामर, क्या नाम है उसका? क्यों बोलूं? क्यों नाम बताऊं? इस वास्ते कि तुम्हें मेडल मिले, तुम्हारी इस वर्दी पर बिल्ला चिपके, सरकार तुम्हें इनाम दे और पुलिस की जय जयकार हो। अरे छोड़ो साहेब छोड़ो, यही है पुलिस ऐसी, रतन सिंह जैसी, जो हमारी जानों की रखवाली करने के बदले हमारी ही जान लेती है, गरीबों का हक दिलवाने के बदले उन्हीं का हक छीनती है, अरे हमको कुचलती है और पैसे वालों के तलवे चाटती है। बकवास बंद करो और सीधी तरह बताओ क्या नाम है उसका? उसका नाम कुछ भी नहीं है साहेब, जाओ पकड़ लो उसे। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, किसने मारा इसे? मैंने मारा है साहेब। तुमने? हाँ, इस बच्चे ने मारा है जिसे तुम मार रहे थे, इस औरत ने मारा है जिसे रतन सिंह सड़क से उठा के ले गया था, उसने मारा है जिसकी रोजी रोटी उसने छीनी, उसने मारा है जिसका घर उसने उजाड़ा, उसने मारा है जिसकी आबरू उसने लूटी, उस...
समझते हो कि शोर मचाकर सच्चाई को छुपा सकोगे? कातिल को कब तक बचाओगे? एक पुलिस ऑफिसर का खून हुआ है, डिपार्टमेंट जमीन आसमान एक कर देगा। रतन सिंह का कातिल बच नहीं सकता। इंस्पेक्टर, यस सर। सख्त से सख्त इंक्वायरी करो और जिस पर जरा भी शक हो उसे अंदर कर दो। कल सुबह तक इस केस की रिपोर्ट मेरी टेबल पर होनी चाहिए। यस सर। चलो। नहीं भैया, इका कोनो जरूरत नहीं। चाय का पैसा? अरे आप चाय पिया, यही हमने वास्ते बहुत पूछा भैया। ये नहीं समझा? समझ जाएगा। आज से ऐसा चोगा रे, ऐसा चोगा। चल। नमस्ते, मेरा बाबा मर गया। नमस्ते, मेरा बाबा मर गया। ऐसा बोलना नहीं बेटे। नमस्ते, मेरा बाबा मर गया। ये बचपन से ऐसा चेहरे एड़ा। अजीत, आप इसका अम्मा है? ये आपसे कुछ बात करना चाहता है। कहिए। मैं आपको थोड़ा पैसा देना चाहता है। नहीं चाहिए। मैं कोई उपकार नहीं करता अम्मा। शंकर, बोल इनको। ये आपके पति से कुछ उधार लिया था, उधारी चुकाने आया है। नहीं चाहिए। मेरा बाबा मर गया, मेरा बाबा मर गया। इस बच्चे को चाहिए अम्मा। छोटा उम्र में बाप का मर जाने से बच्चे को क्या दुख होता वो मेरे को मालूम। इस बच्चे को वो दुख नहीं होना चाहिए। मैं हर महीने कर्जा देगा, मेरा कर्जा उतारेगा। मेरे पे मेहरबानी करो अम्मा, ले लो, ले लो। मेरा बाबा मर गया। शक्ति, तेरे दिल में बहुत दया है रे। कमाल कर दिया तुमने, हमने बोला था जापान है। स्वामी, तुम ये छप्पर तोड़ के यहाँ फैक्ट्री बनाता है क्या? मैं नहीं, सेठ जी यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे। कभी मत, हम तुम सब लोगों के लिए दूसरी जगह शेड डाल देंगे। क्यों दौरा स्वामी? तानी है सेठ, तू राजा हरिश्चंद्र की औलाद है क्या? शंकर बात को समझ, सेठ जी ने जमीन खरीद ली है। देखो ये दस्तावेज, देखो देखो। दस्तावेज बराबर है। दौरा स्वामी, तुम जमीन का भाड़ा लेता हमसे और बेच दिया सेठ को हमारे जिंदगी के साथ, और तुमने खरीद लिया सेठ। ठीक पे सेठ, तुम गरीब का छप्पर छीनेगा तो तुम्हारा सर के ऊपर छप्पर नहीं रहेगा। अरे जा जा, बढ़ाए छप्पर तोड़े जी।
इनसे उलझने की कोई जरूरत नहीं है। आपका काम हो गया ना? हो गया, आप चलिए। हाँ तो चलिए। आइए। फैक्ट्री के बहाने झोपड़े तोड़वा दिए सेठ, तोड़वा दिए। अब उस जमीन पे करोड़ों रुपए के फ्लैट बनेंगे। जरूर बनेंगे। सेठ, शक्ति दैवान बोलता है यहाँ कुछ नहीं बनेगा। हा? सब टूटेगा सेठ। क्या हा? नहीं समझे? अरे समझाता हूँ सेठ। तोड़ दिया। बर्बाद हो गया। अरे मैं लुट गया। अरे अरे मुझे माफ कर दो, अब मुझसे भूल हो गई। अभी तक तो सिर्फ सामान नीचे फेंका था सेठ, अब तुझे हम नीचे फेंकेगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। चंगा दादा, मुझे नीचे मत फेंकिए, पाइप माला है। मुझे माफ कर दो चंगा दादा, मुझे भूल हो गई। मुझे आयावान जमीन का दस्तावेज मांगता है। संतान वृद्धि सहिता हरि भक्ति रस्तु यावत् कोय धरा धरा धर धरा धारा धरा भूधरा यावत् चारु सुचारु चारु चमरम चामी कृतम चामरम यावत् रावण रामनाम रमणम रामायणम श्रूयते तावत् भोग्य विभोग्य भोग्य मतुलम तुम दृगिजी। इम्तिहान में पास हो गया। मेरे को नहीं बताएगी? मैं जाता। नहीं, ये बात नहीं है। मुझे डर लगता है, अगर मैं आपसे बात करूं तो शायद मैं रो पड़ूंगी। काय को, मैं तेरे को अच्छा नहीं लगता क्या? नहीं, उस रात आपको देखा तो पहली बार महसूस किया कि दुनिया में एक ऐसा मर्द भी है जिसके दिल में औरत के लिए इज्जत है। मेरे से शादी करेगी? Thank you.
लड़का चाहिए या लड़की? अरे ये क्या खून? मेरा खून, तुम्हारा खून, हमारा खून। हमारा बच्चा ये खोली में आग नहीं खोलेगा, हम उसको बड़ा कर देगा। जरूर दोगे, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। दयावान से मिलने आया हूँ बेटे। क्या काम है उनसे? तुम उनके बेटे हो? हाँ मैं उनका बेटा हूँ। मैं उनकी बेटी हूँ। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है बेटी? मेरा नाम सरिता है। मैं सूर्या हूँ। जीते रहो बेटे, जब तुम्हारे अपा बम्बई आए थे बरसों पहले तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे थे। अपा मेरे जैसे थे? हाँ बेटे। आप बैठे रहो, अभी मैं अपा को बुला के लाता हूँ। जीते रहो। हमारा बीवी को कौन प्यार करता? आपकी बेटी। हमारा बेटी तो परवाह नहीं, एक हमारा तरफ से भी। ए, तेरे को नहीं बोला। वनकम दयावान। वनकम।
क्या बात है? पुलिस ने मेरे बेटे को बहुत मारा दयावान, उसे हवालात में बंद कर दिया, दया करके उसे बाहर निकालिए। क्या गड़बड़ किया तुम्हारा बेटा ने? गड़बड़ तो कुछ नहीं किया दयावान। कुछ गड़बड़ नहीं किया और पुलिस ने अंदर किया? सच सच बोलो, क्या किया उसने? अरवा नहीं, कौन सा पुलिस स्टेशन में है वो? चीतापुर थाने में। अय्यर, कौन इंस्पेक्टर उधर? चीतापुर में इंस्पेक्टर माथुर है जी। तो शंकर को बोल दो। जी। मगर दयावान, तुम्हारा बेटा बाहर आएगा। बड़ी कृपा दयावान, बड़ी कृपा। दयावान, मेरा काम बन गया। अयो अम्मा, ऐसा नहीं। मैं आया, मैंने पैसे चुराए, मेरे बाप ने मेरे को मारा। अच्छा हुआ मारा, नहीं तो इसको कुछ पैसे दे देना। अच्छा दे दे, मुझसे चोरी नहीं करना। तुम्हें चोट कैसे लगी? मैं गिर गया था। सही था, इसको हॉस्पिटल भेजा देना। अगर डॉक्टर फीस मांगे तो मेरे नाम बोल देना, फिर वो फीस नहीं लेगा। अच्छा। कुछ हुआ तुमको? नहीं। तो कहो फिर क्यों आए यहाँ पे? बिना काम के चले आते हैं, ठीक है? कितना काम है मुझे? आगे बिना काम के आया तो शंकर से बोल के तेरी पिटाई करवा दूंगा। तुम्हारी दीदी तो ठीक है ना? और तुम्हारा भाई ठीक है? तुम स्कूल क्यों नहीं गई? मेरी टीचर ने मारा। क्यों मारा? मैंने होमवर्क नहीं किया था। सही था, शंकर का बोला उसकी टीचर को दो जोर की रबड़ है मारे। अच्छा, तुमको क्या मांगता है? क्या मांगता है तुमको? मैं तेरे को पीटना मांगता। तेरे हाथ में तो आम, मैं तेरे को ऐसा पीटेगा, ऐसा पीटेगा, ऐसा पीटेगा तेरे को मैं। अरे अन्ना भाई, तुम्हें कहीं लोने जलेबी काटी कहीं खाओ ने साहब? के माम करो छो? चोकसी भाई, अभी तक दयावान बिरादर नहीं आया। आओ जे, आओ जे, आलो याद करन आवी के से मारा वाला। शक्ति गमत छाली रे, ये धुरंधर लोग में भी तेरा पट पहुंच गया रे। दुनिया का हर चीज का ये लोग स्मगलिंग करता रे। बंबई की पुलिस क्या, अखी दुनिया का पुलिस को ये लोग चक्कर में डाल दिया है रे। मेरे को मालूम शंकर, चोकसी भाई को मिलाकर ये चार का चौकड़ी है और चार का चार महारथी। आओ दयावान भाई, आओ आओ, पधारो शंकर लाल, पधारो। जय श्री कृष्ण चोकसी भाई। जय श्री कृष्ण, केम छो तमे? हूँ बहु सारू छो। अरे वाह, बहु सरस गुजराती बोलो छो तमे, मैं तो तमारी ज वाट जोता था। मित्र आज मारो मित्र दयावान भाई, माही मने तारा विनो किंग अ किंग। अरे आज आपड़ा मैं जानता, सबको जानता। सलाम अलैकुम बिरादर। वालेकुम सलाम अमित लाला। वल्ला मेरे को मालूम, कालबा देवी बाई कला ढोंगरी का बादशाह, एक बड़ा जहाज कंपनी, एक सीमेंट फैक्ट्री, एक होटल दुबई। शाबाशी बिरादर, तुम तो हमारा सारा अमल नामा जानता, सोचे तुम आदमी है कि इनकम टैक्स। आपड़ा कोली भाई नमस्कार। वालेकुम। बरसवा मगालन का किंग, दरिया में जाल डाला, सोने का मच्छी निकाला। बराबर छे? एकदम बराबर छे। बैठो। ने आज छे आपड़ा अन्ना अने एना बन्ने नाना भाईयो। मैं जानता, ऑल ब्रदर कंट्रोल हार्बर, टॉक का किंग। अन्ना नो परमिशन, गोदी का भार मान, नो कमिंग नो गोइंग। बराबर छे? एकदम बराबर छे। हमारे बारे में बहुत कुछ जानते हो। बहुत दाई, कुंचम कुंचम, तोड़ा तोड़ा। दयावान भाई बेसो ना, बेसो शंकरा, प्लीज बेसो। चोकसी भाई, वो दयावान बिरादर से तुम बात करो ना। दयावान भाई, लाला कोहली अने अन्ना नो 30 लाख नो माल गोदी में पड़ो छे। अब ये माल हमेशा अन्ना और उसका भाई लोग निकालता है, पर अवे ना बोलता है। मेरे को मालूम, इसका हिस्सा का 10 लाख रुपया इसका पास नहीं, इसलिए माल नहीं निकालता। बात 10 लाख की नहीं है, रिस्क की। और तुम ये अच्छी तरह से जानते हो कि आजकल कस्टम पर बहुत गर्म है, 2-4 महीने तक माल नहीं निकाल सकते डॉक से। इम्पॉसिबल है,
एकदम इम्पॉसिबल है। पॉसिबल पॉसिबल है। तुम हाथी के मुंह से गन्ना छीनने की बात कर रहे हो। जो काम हम नहीं कर सकते वो तुम करोगे। ए अन्ना, डॉक से माल क्या चीज है रे? अपन का शक्ति दयावान है ना, दरिया से अखा जहाज आएगा रेती पे, समझा? बस बहुत हुआ, हम लोगों को यहाँ इनसे बेइज्जत करवाने के लिए बुलाया था चौकसी भाई। नहीं, बेइज्जती करवा माटे नहीं, आ बात नो फैसलो करवा माटे। हाँ दयावान बिरादर, और तुम हमारा फैसला करवा दो। करेगा, वन ट्राई ओनली, मैं करेगा। मी गोइंग, माल लेके कमिंग। ओए 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 ओए, शाबाशी। दयावान भाई जिंदाबाद। बस बस बात पाकी थई गई। दयावान भाई आ काम तमे करशो अने आ मारो फैसलो छे। एक शर्त है, मैं तुम्हारा माल गोदी से निकालेगा, उसका बाद डॉक का एरिया अन्ना का नहीं मेरा होगा, हमेशा का वास्ते। मंजूर? मंजूर छे। मंजूर मंजूर। ये क्या करता रे शक्ति? जो मैं करता तू भी कर। नमक का गोनी और ट्यूब माल के साथ बांध। नमक का गोनी और ट्यूब माल के साथ? अरे अपन क्या रे नमक का दलाली करता क्या रे? समझा नहीं, कस्टम का बोर्ड हमारा रास्ता काटेगा तो नमक का गोनी और ट्यूब बांध कर सारा माल फटाफट पानी में फेंक देना। माल पानी में फेंक देना? अरे माल डूब जाएगा ना रे। समझा नहीं, नमक का गोली पानी में जाएगा तो क्या होएगा? हाँ, नमक घुल जाएगा। हाँ, और नमक घुल जाएगा तो क्या होएगा मालूम? नमक घुल जाएगा रे शानदार शक्ति। नमक घुल जाएगा चूप के साथ माल उभर आएगा। हाँ, रे शक्ति गमत जाली रे, इस बात पे तो जश्न होने मांगता रे। मना? सच्ची? मनाएगा कैसे, साथ में कुछ लाया नहीं। कैसे नहीं लाया रे? तू ट्यूब में भर के माल लाया, अपन ये दारू का बोतल लाया रे। तू नमक का गोनी लाया, अपन नमकीन चीज लाया शक्ति। क्या हमीद लाला? चौकसी भाई? हाँ बोलो दयावान भाई। तमारो काम थई गयो। वाह, मजा आ गई। मेरा शर्त याद है ना? ओए ओए ओए, बिल्कुल याद है बिरादर, मुझे आज से तुम डाक का बादशाह है। बादशाह भैया, डॉक्स का काम भी गया अपने हाथ से, इज्जत अलग हाथ में मिल गई। इस साले शक्ति मेल्लू ने तो अपना कबाड़ा कर दिया। साले ने चौकसी लाला और कोहली को अपनी मुट्ठी में करके हमें बर्बाद करने की कोशिश की है, खत्म कर देना चाहिए साले को। अभी नहीं, उसकी डुगडुगी तो हम बाद में बजाएंगे। फिलहाल तो मुझे ये चिंता हो रही है कि 10 लाख कहां से लाएंगे। चिंता काहे की अन्ना, बैंकों में इतना पैसा पड़ा है पब्लिक का, उठा लाएंगे किसी बैंक से। काय को ऐसा बैठी है तू, नीचे मुंह करके बैठना। जैसे शाम आंटी कल रात को धुनन मन के बैठी थी। फिलहाल पसंद आई। शमा की सास की नकल करता है, छोटा शरीर हो गया है, बड़ी बड़ी बातें करता है। पचास हजार अल्लाह ने तेरा बात सुन लिया। मैं तेरे को एक दिन बोला था ना, तेरे को 5 नहीं 50 हजार देगा। तेरा मम्मी हो गया, चल तेरा शादी के लिए जेवर कपड़ा लेके देता। दयावान? हाँ। हमीद लाला का फोन है, बोलता है कि अर्जेंट मीटिंग निकल आया है, चौकसी भाई और कोहली भी उधर है। हम बात करता। शमा तुम ऐसा करो, दूसरा गाड़ी में बैंक जाओ, पैसा निकालो, मैं थोड़ी देर में आता। सलाम वालेकुम लाला भाई। हाँ, हमें आता है, आता है।
नमस्ते शिवानी। नमस्ते। अबे अंधा हो गया है क्या? गाड़ी में बैठा तो पैसे देने वाली नहीं है बेटा। जमीन पर लेट जाओ वरना सेफ की चाबी निकालो। निहत्ते बेगुनाहों की जान ले रहे हो? बचोगे नहीं सजा से, मिल्लत की मौत करोगे। मेरे भैया तुम्हारी लाशों के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। मुंह बंद कर दो साली का। चिंता दूर कर दिया ना, सारा का सारा बैंक साफ कर दिया। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? वो सिर्फ शक्ति वेलू की बहन हमारे हाथों मारी गई। हमने उसे जानबूझ कर नहीं मारा ना, हमने उसे पुलिस और पब्लिक से बचने के लिए उसे ढाल बनाया था। वो साला शक्ति वेलू एन वक्त पर वहां आ पहुंचा और हमारे दो आदमी उसकी गोलियों का शिकार हो गए। लोग तो रोज ही मरते रहते हैं मंजरे। मुझे फिक्र इस बात की कि उसने तुम दोनों को कहीं पहचान ना लिया। नहीं है ना, शक्ति वेलू तो सारी जिंदगी यही समझता रहेगा कि उसकी बहन डाके की वारदात में इत्तेफाक से मारी गई। दुश्मन चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे नादान न समझना छोटे। इससे पहले कि शक्ति वेलू को हम पर शक हो जाए, पहला मौका मिलते ही उसे और उसके पूरे खानदान को खत्म कर दो। क्या क्या हुआ तुम्हारा बच्चा को? मेरा बच्चा मर रहा है, तुम ही इसे बचा सकते हो। बचाने वाला वो? बोलो क्या हुआ? दो दिन से खून की उल्टियां हो रही है, अब तो इसे गर्दन ही डाल दी, आंखें नहीं खोलता है। मेरा बच्चा मर जाएगा, मेरा बच्चा मर जाएगा दयावान, मेरा बच्चा मर जाएगा, मेरा बच्चा मर जाएगा दयावान। डॉक्टर किधर? वो उधर है। क्यों? अरे अरे वहाँ काम से चले जा रहे हो। डॉक्टर, डॉक्टर क्या है? डॉक्टर वो बच्चे को बहुत तेज बुखार, खून का उल्टी किया, उसको जरा देखो, उसको भर्ती करो। मेरी ड्यूटी खत्म हो चुकी है कल आना। ए डॉक्टर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। क्या है आप लोग मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हैं? अय्यर पैर। दयावान जानना चाहते हैं तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम डॉक्टर वर्मा। फीड
दयावान जानना चाहते हैं तुम रहते किधर हो। यहीं बांद्रा में, लेकिन संसार। दयावान जानना चाहते हैं तुम्हारे बच्चे कितने हैं। बच्चे? बच्चे? लेकिन आप लोग ये सब पूछ क्यों रहे हैं? अय्यर, दयावान जानना चाहते हैं तुम्हें अपने बच्चों की परवाह है तो इस बच्चे को भर्ती कर दो। बच्चों की परवाह? बच्चे? नर्स, नर्स यहाँ। नहीं, इस बच्चे को लेकर जल्दी अंदर चलो। बच्चे का ये हालत हो गया हा? मरने को आया और तुम अस्पताल का गाड़ी तक नहीं बुलाया। अपनी बस्ती में कभी भी एम्बुलेंस नहीं आता है दयावान। काय को नहीं आता है? अपना रास्ता खराब है तो खुद का एम्बुलेंस खरीदो। कितने का आता है एम्बुलेंस? कम से कम 50,000 में एक आता है दयावान। छह खरीदो, कल का कल खरीदो और अपना बस्ती में लाकर खड़ा करो। हमारा एम्बुलेंस पैसों वालों के लिए नहीं, गरीबों के वास्ते चलेगा। आमा, डॉक्टर साहब मेरा बच्चा कैसा है? आपका बच्चा खतरे से बाहर है, लेकिन उसे 2 दिन अस्पताल में रखना होगा। डॉक्टर मेरा बात सुनो, तुमको भगवान ने जान बचाने का शक्ति दिया। तुम गरीब को नहीं पूछेगा तो भगवान तुमको पूछेगा। गरीब का जान का कीमत भी उतना ही जितना पैसा वाला की जान का कीमत। मेरा बात भूलना नहीं, नहीं। मैं तुमको थोड़ा कड़क बोला, माफ करना। देखो सूर्य बिल्कुल तुम्हारी तरह सोता है। और ये छोकरी तुम्हारे जैसे सोता है। जानते हो सूर्य दिन में 10 बार यही कहता है कि मैं अप्पा जैसा बनूंगा। और मैं दिन में 10 बार सोचता है सूर्य मेरा जैसा नहीं बनेगा, हमारा बच्चा हमारा जैसा बने ये ठीक नहीं। इनको पढ़ना लिखना चाहिए, श्रीमंत बनना चाहिए। इनको दूर बोर्डिंग में भेजेगा तभी ये मेरा कॉपी नहीं करेगा। तू बच्चे से दूर रहेगी? तुम इन बच्चों से इतना प्यार करते हो, अगर तुम रह सकते हो तो मैं नहीं रह सकती। तुमसे दिल की बात कहूं? अभी तक दिल का बात नहीं बताया। तुमने जिंदगी में मुझे इतनी खुशियां दी हैं कि अगर आज मौत भी आ जाए तो मैं खुशी से मर सकती हूँ। ऐसा नहीं बोलना। तुम्हारी कसम, मैं सच कहती हूँ, मेरी जिंदगी में अब कोई कमी नहीं। और मेरा जिंदगी में भी। दयावान! दयावान! मैं देखती हूँ। Thank you.
नमः विष्णुभ्यो नमो नमः ब्रह्मेभ्यो नमो नमः अनंतायभ्यो नमो नमः You are a darling. तू वो चीज मांगता रे जो तूने किसी को नहीं दिया। वैष्णवेभ्यो नमो नमः ब्रह्मणेभ्यो नमो नमः अपनी तो हर शाम ऐसे ही कटती है मेरी जान। और शाम नहीं रे, तू अपने हिस्से की जिंदगी काट चुका है, अब अपने पापों की सजा काट। मुलायम हाथों की नरमी मेरे बदन में गर्मी सी भर देती है। बस यूं ही अपने हाथों का जादू सिलाती रहो। अभी तुम बोर्डिंग में पड़ेगा, उधर ही रहेगा। जब ही छुट्टी होगा मैं उधर आएगा तुमको मिलने। अभी तारा मौसी तुम्हारे साथ रहेगा। अप्पा मामी नाम कनेक्शन कनेक्शन
गणेशन, ओए गणेशन। शुक्रिया रेवन, शुक्रिया। के समान इस वर्ष भी आपके बेटा बेटी के नाम से अर्चना की है। आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे। जय हो। पहलवान, सूर्या और सरिता आ गए हैं। क्या दोनों आ गए? दोनों आ गए। देखा शंकर, बदमाश छोकरा छोकरी खबर तक नहीं किया और आ गया। चल जाके दो लगाते हैं उनको। अरे शक्ति, अब वो बच्चे नहीं रहे, अपन के जैसा बराबर हो गए। सरो बेटी, ये क्या करता? बेटी क्या करता तू? मस्ती नहीं, मस्ती मत कर। सरो, सरो, अरे सरो बेटी, आहिस्ता आहिस्ता, इतना तेज नहीं चला। अरे शंकर तू बोल। लगता है तेरी उम्र हो गई रे शक्ति। चुप है सरो बेटी। सरो बेटी तो मेरा बात सुन। सरो, 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 अरे शक्ति समझ जाली रे, तू तो गुलाटी खा गया शक्ति। लगता है तुम बुढ़े हो गए। तू मेरे को बुढ़ा बोलते है? अरे शक्ति, तू तो सच्चे बुढ़ा हो गया। अरे अरे तू मेरे को बुढ़ा बोलता है बुढ़े। अरे खैर तू खैर। अरे शक्ति अजीत बाबा, देवन बाबा, अजीत, अजीत बाबा, पापा कौन है ये? बताएगा बाद में, बताएगा। अजीत बाबा, बाबा मेरे को इंस्पेक्टर बनने का। बाबा अपने पिता की तरह इंस्पेक्टर बनना चाहता है, कौन करेगा इसे भर्ती? नहीं नहीं बाबा, मैं एक्सरसाइज मानू, मेरे को सब पुलिस का एक्सरसाइज मानू मेरे को। नमस्ते, मेरा बाबा मर गया। नमस्ते, मेरा बाबा मर गया। मैं एक्सरसाइज करूं, सैनिटाइज करूं। मैं अटेंशन भी करूं। बाबा मेरे को इंस्पेक्टर बना दो ना। आप तो सबको कर सकते हैं, बना दो ना। आज से तू मेरा इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर बाबा का इंस्पेक्टर। इसको रोज मेरा पास भेज देना, आता जाता रहेगा। पापा का इंस्पेक्टर, तुम्हारा चिंता भी दूर हो जाएगा। मुझे दयावान सबसे महंगा है। परमिशन नहीं है साहब। आप मेरी बात सुनो, मैं इधर के एसपी हूँ। टोन पर साहब, लेकिन टोन पर नहीं, तुम्हारा काम हो जाएगा। दावन, दावन, एसपी आ रहा है, जबरदस्ती अंदर आ गया। उसके बाप का घर है साला। शंकर आने दो। आओ एसपी साहब, आओ। मेरा नाम राघवन है। जानता मैं आपको 20 बरस से जानता। बोलो एसपी साहब, कैसा आया घर?
मेरा वास्ते कोई काम? जी, मुझे आपकी कुछ मदद चाहिए। मेरा मदद? एसपी साहब, मैं बहुत छोटा आदमी, जो कर सकता बराबर करेगा। आओ बैठो। नहीं नहीं, आप ऊपर बैठो, मैं हमेशा नीचे बैठूंगा। आप ऊपर बैठो। बिल्कुल ठीक, सॉलिड। हाँ बोलो। मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। अकेले में? मेरी बेटी सुधा की शादी थी अगले हफ्ते। जरूर होगी, धूमधाम से होगी। परवाह नहीं, पैसे का परवाह नहीं। नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मेरी बेटी की शादी अब कभी नहीं हो सकती। क्या? कल रात वो अपनी शादी के कपड़े खरीदने बाहर गए थे। जब वापस लौटी तो उसके कपड़े तार तार थे, बदन लहूलुहान, उनसे लथपथ। ऐसा लगता था जैसे जैसे पागल कुत्तों ने मिलकर उसकी इज्जत लूट ली, उसे नोचा, घसूटा। वो कुत्ते हरामदादे बड़े बापू के बेटे। मेरी बेटी, आप तो इतना बड़ा पुलिस अफसर, पावर आपका हाथ में, उनका हड्डी पसली तोड़ देने का नहीं, उन भेड़ियों को छोड़ने का नहीं। मैं कुछ नहीं कर सकता देवान, मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर वो मंत्रियों के बेटे ना होते तो मैं उनके टुकड़े टुकड़े कर देता। मैंने मैंने अजी साहब से इस बात की शिकायत की। कहने लगे, कोई सबूत है तुम्हारे पास? कोई चश्मदीद गवाह? उनके पास बहुत पैसा है, ताकत है, पहुंच है, वो किसी का भी मुंह बंद कर सकते हैं, तुम्हें नौकरी से निकाल सकते हैं। बेहतर इस बात को यही खत्म कर दो, वो भूल जाओ। पर देवान, मैं कैसे भूल सकता हूं? मेरी इकलौती बेटी, उसके उसके बदन पर, उसकी आत्मा पे जितने घाव हैं, सब सब मेरे सीने में आग बनकर तैर रहे हैं। मेरा भी एक बेटी है एसपी साहब, मैं आपका दुख समझता। उन जानवरों का नाम पता बताओ। फिर आपा काका के पीछे भागने लगे और दोनों बच्चों की तरह छपाक से पानी में। अबे ये चिड़िया कौन है, जरा पता तो लगा। ये शक्ति दयावान की बेटी है, कोई लफड़ा मत करना। बड़ी मुश्किल से तो एसपी राघवन की बेटी का मामला टला है। अबे डरता क्यों है, होगी दयावान की बेटी। जब तक अपना बाप मिनिस्टर है, अपना कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अबे ओम मंत्री की औलाद, बड़ी गर्मी है रे अपने बाप की कुर्सी की। जिस कोक से जन्म लिया उसी कोक को बेइज्जत करता रे। बहुत देर कर दिया। काका, मैं अस्पताल से आ रही हूँ उसे देखकर, जिसकी हड्डियाँ तुमने तोड़ दी। मगर जिंदा है वो भी, लेकिन मुर्दे से बदतर। इसने मुझे देख लिया शक्ति। हाँ देखा, और ये भी देखा कि तुम उसे जानवर की तरह मार रहे थे।
सरू उसने गलत काम किया, खोटा काम किया, इसीलिए उसे मार पड़ी। तुम कौन होते उसे मारने वाले? मैंने वही किया जो अपन का दोस्त ने बोला। सही क्या है गलत क्या है अपन नहीं जानता सरू, तेरे अप्पा ने बोला और अपन ने किया। ठीक बोलता शंकर, इसको मैं बोला था। अप्पा तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम जज हो, तुम भगवान हो, तुम होते कौन हो ये फैसला करने वाले कि क्या सही और क्या गलत है? तुम होते कौन हो ये सजा देने वाले? सरू बेटी, मैं जवान दिया किसी को? किसको? मेरे जैसा एक बेटी के बाप को। तुमने किसी को ये जबान दी थी कि किसी इंसान को इतनी बेरहमी से पिटवाओगे कि वो अपने ही खून में नहा जाए? उसने अपराध ऐसा किया था। अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस है अप्पा, सजा देने के लिए कोर्ट है, ये काम उन पे क्यों नहीं छोड़ते? तुम क्यों ये पाप अपने सर लेते हो? ये पाप नहीं, पुण्य है, न्याय है, न्याय। तुम नहीं समझेगी, तुम पढ़ी लिखी है ना, तुमको सब सुख मिला, दुख क्या तुमको नहीं मालूम, इसलिए कोर्ट कचहरी का बात करती है। मेरे को, मेरा ये दोस्त शंकर को दो रोटी का वास्ते, चार पैसा कमाने का वास्ते क्या क्या करना पड़ा, अपना कमाई घर लाने के वास्ते दुनिया भर से लड़ना पड़ा। रात होता तो मैं सोचता सुबह तक जिंदा रहेगा या नहीं, मरने से बचने के वास्ते मारना पड़ा, अपने ही खून में नहाना पड़ा, मर मर कर जिंदा होना पड़ा। इसलिए तुम समझते हो कि तुम जो कुछ करोगे ठीक होगा? सरू बेटी, मैं खाली वो काम करता जो मेरा दिल बोलता ठीक है, मेरा अंतरात्मा बोलता ठीक है। जो दिल बोलता है ठीक है ना पा? तो मेरा दिल बोलता है कि आज जिसने उस लड़की को मारा, मैं भी उसे ऐसे ही मारूं। जाहिर छोकरी, नहीं शंकर, नहीं नहीं नहीं, तेरा हिम्मत कैसे हुआ शंकर के हाथ उठाएगा? बच्ची है छोकरी, छोकर, नहीं शक्ति, मैं इसका जान ले लेगा। नहीं शक्ति, बच्ची है, से बड़े पर हाथ उठाना कहां से सीखा तूने? किसने तेरे को ये पट्टी पढ़ा? किसने सिखाया तेरे? तुमने मुझे इसलिए मारा ना पा कि मैंने तुम्हारी नजरों में गलत काम किया, काका पे हाथ उठाया, लेकिन तुम जितने भी काम करते हो सही समझ के, वो सही नहीं है अप्पा, दुनिया की नजरों में गलत है। क्या करूं मैं? तू क्या चाहती? ये छोड़ दो अप्पा, ये सब छोड़ दो। छोड़ देगा, पहला उनको बोल, जुल्म करना छोड़ दे, मैं भी छोड़ देगा। किनको बोलूं? उस पुलिस वाले को जो मेरे निर्दोष अप्पा को गोली मारा, सिर्फ इस वास्ते कि वो गरीबों का मजूरी बढ़ाने को बोला। उसको बोल जालिमों का साथ देना छोड़ दे, मैं छोड़ता हूं। उस जालिम को बोल जो मेरा करीम बाबा जैसा नेक आदमी को हवालात में बंद किया, फांसी से लटकाया और बोला खुशखुशी किया। उसको बोल बूढ़ों और कमजोरों को मारना छोड़ दे, मैं छोड़ता हूं। उन पापियों को बोल जो मेरी बहन को बेदर्दी से मारा, रात का अंधेरे में घर में घुस के तेरी मां को मारा, तेरी मां को मारा। उनको भूल, हमारा मां और बहनों को मारना छोड़ दे, मैं छोड़ता हूं। उन सबसे लोग को भूल जो झोपड़ा में आग लगाता है, गरीबों को जिंदा जलाता है, अपनी दौलत के बल पर कानून और पुलिस को खरीद लेता है, उनको भूल।
गरीबों को कुचलना छोड़ दे, मैं छोड़ता हूं। तू क्या समझती है, ये मारपीट करके ये खून बहा के मेरे को खुशी होता? नहीं नहीं, ये रास्ता अपनी खुशी से चला नहीं। उनको बोल वो सीधा रास्ता पर चले, मैं अपना रास्ता छोड़ देगा। अपने सीने पे हाथ रख के बोलो पापा कि तुम जो कुछ करते हो वो गलत नहीं है। नहीं है गलत, गरीबों का मदद करने में कोई गलती नहीं। चलो बेटी, जिस काम से चार आदमी का भला होता, चार आदमी का पेट पलता, वो गलत नहीं, बुरा नहीं है। तो तुम रोटी के वास्ते किसी का खून करना भी ठीक समझते हो? सारू बेटी, मेरा बात समझने का कोशिश करो। नहीं, मैं नहीं समझना चाहती हूँ, नहीं समझना चाहती हूँ। चले जाओ यहाँ से अप्पा। काका, इनसे कह दो ना यहाँ से चले जाने के लिए। बोल दो ना काका, अप्पा से बोल दो यहाँ से चले जाए। तू जा, यहाँ से चले जाए। मैं समझाता हूँ शक्ति, तू जा। मुझे दयावान से मिलना है बेटे। पापा की तबीयत ठीक नहीं है, आराम कर रहे हैं। ओ, पर मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी। अच्छा, आप रुकिए, मैं उनको बोलता हूँ। पापा, एसपी से मिलने हैं आपसे। एसपी साहब? हाँ, मैंने कह दिया आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, बुलाओ। जी अच्छा। आओ एसपी साहब, आओ। नमस्ते दयावान। वालेकुम। सूर्या, कुर्सी। नहीं बेटे, ठीक। सुना आपकी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, कोई खास बात नहीं। आप बोलो कैसा आया? बस आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ, आपने बहुत बड़ा उपकार किया है मुझ पर। परवाह नहीं। आपका बेटी कैसा? बस आपकी मेहरबानी, अब तो बहुत ठीक है। आपके इस उपकार का बदला तो मैं नहीं चुका सकता, लेकिन मैं आपको खबरदार करने आया हूं। आपका एक आदमी आपके खिलाफ गवाही देने वाला है। तोरा स्वामी को आप जानते हैं ना? तोरा स्वामी? हाँ, अच्छी तरह जानता मैं उसको। वो सरकारी गवाह बन गया है। मैं तो एक पुलिस अफसर हूँ, मैं उसे रोक नहीं सकता और मुझे रोकना भी नहीं चाहिए। अब आप उसे कैसे रोकेंगे मुझे नहीं मालूम। परवाह नहीं एसपी साहब, मुझे इजाजत दीजिए। एसपी साहब धन्यवाद। सूर्या। जी पापा। शंकर को बुलाओ। पापा, शंकर काका तो नहीं है, आपने कहा था उन्हें उस दिन अपने शहर छोड़कर चले जाने के लिए, वो मंत्रियों के बेटों का जो मामला था। हाँ, मैं भूल गया पापा। तो फिर पापा, ये काम मैं करूं? सूर्या। पापा, क्या मैं अपने अप्पा के लिए इतना भी नहीं कर सकता? नहीं सूर्या, ये काम तुम्हारा वास्ते नहीं। अप्पा, मैं ये खुद नहीं करूंगा और न ही इस मामले में कोई अपना आदमी पड़ेगा। मैं ये काम बाहर के आदमी से कराऊंगा, बाहर वालों को ये पता भी नहीं होगा कि वो आदमी किसके लिए काम कर रहा है। इस पूरे कांड में हमारा कहीं भी नाम नहीं आएगा अप्पा। हाँ अप्पा। नहीं नहीं सूर्या, अब आपको मुझ पर भरोसा नहीं। दोरा स्वामी कोर्ट नहीं पहुंच सकेगा, और अगर वो कोर्ट पहुंच गया
तो वहां पे वो अपनी जबान नहीं खोल सकेगा। हाँ पा, मुझ पर भरोसा कीजिए पा। बार बार नहीं कर, जा कर। शंकर ठीक बोलता था, तू बहुत बड़ा हो गया है। इंस्पेक्टर आज सल्यूट नहीं मारा? ए, क्या हुआ, क्या हुआ? ए बोलता काय को नहीं? तेरे को कोई कुछ बोला तो चौकसी भाई हमीद लाला और कोहली आए हैं। ये टाइम आया? पहले से नहीं बताया। वालेकुम, आप लोग कब आया? एसपी साहब, ये ऐसा काय को खड़ा है? एसपी साहब, लाला भाई, दयावान बिरादर, अल्लाह ताला की मर्जी के सामने हम सब बेबस बंदे हैं, हमारे अख्तियार कुछ भी नहीं। हाँ दयावान, लाला साचू कहे छे, जो सांभर जीवन ने मरण तो ऊपर वाला ना हाथ में है। मैं समझा नहीं, अपने आदमी को कोई तकलीफ आया? हिम्मत रख जी दयावान, दोस्त मारो बेटो ये थारो ज बेटो छे ना? हाँ, तुम्हारा बेटा मेरा बेटा है। सब्र करो दयावान, क्या सब्र करो? सूर्या को कुछ हुआ? आइए, सूर्या को कुछ हुआ? किधर सूर्या? सूर्या दयावान, सूर्या
मैं जा रहा हूँ। तुम्हारे कारण मेरी माँ की जान गई और अब मेरा भाई मारा गया। जिस अन्याय को तुम अपना न्याय समझते रहे, मेरी माँ उसकी भेंट चढ़ गई। जो नियम तुमने बनाए, उन्होंने मेरे भाई को मौत की नींद सुला दिया। अगर मैं यहाँ कुछ दिन और रही तो अंदर ही अंदर घुट घुट कर मर जाऊंगी। बेटी है तू क्या? तुम्हारी बेटी कहलाने की इच्छा मर गई मेरे मन में। ये रिश्ता टूट गया है, मिट गया है, खत्म हो गया है। नहीं बेटी नहीं, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। मैं किसी की बेटी नहीं हूँ। मैं कोई बाप नहीं, कोई घर नहीं। मैं कहीं भी चली जाऊंगी। मुझे रोकना नहीं, मुझे ढूंढने किसी को भेजना नहीं, और मैं ये कभी मालूम नहीं करूंगी कि तुम जिंदा हो या नहीं। नहीं बेटी ऐसा भी बोलना। छोड़ दो मुझे, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। क्या हो गया? अगर तुम ये छुपने के लिए नहीं बोलता तो सूर्या की जगह मैं मर जाता। शक्ति मैं मर जाता रे। नहीं चंकर, मैं पांच बरस हो गए रे, अब तो सरू का पता करने दे। नहीं शंकर, उसको ढूंढना नहीं, वो मेरा बेटी है। ये दुनिया में कैसा जीना उसको मालूम। तुम्हें सोरे बोलते हैं पूजा बंद करने को। पुलिस कौन होती है पूजा रोकने वाली? लाउडस्पीकर का परमिशन नहीं लिया ना इसके वास्ते। 30 बरस से हमारा इधर पूजा होता, कभी परमिशन नहीं लिया। कोई नया पुलिस अफसर हो तो हमारा तरफ से बोलो, हमारे साथ पूजा में आओ, उसके वास्ते अच्छा। वो लोग बोल रहा है मैं इसमें है ना। उसका कि मैं आईसीपी। पांच
समाज कल्याण केंद्र, दयावान सोशल सेंटर, सब बकवास है, सब दिखावा है। सब कर लो ये सब एम्बुलेंसेस। मगर सर दयावान बहुत नामचीन आदमी है, कहीं कोई आफत ना खड़ी कर। जो ऑर्डर दे रहा हूं उसे पूरा करो। यस सर। हवलदार, ऐसा जुर्म मत करो कमिश्नर साहब, कि एम्बुलेंस गरीबों की मदद के लिए है। हमारे साथ सामान लेता है ना? हमारे साथ। अरे दिस बास्टर्ड्स। ए साहब, उधर क्या रुमाल झाड़ता है, अपन से बात कर। ये तू एम्बुलेंस ले जाता है ना, ये गरीबों की मदद के वास्ते है, अपन इधर समाज सुधार का काम करता है, समझा? मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि समाज सुधार के आड़ में तुम्हारा दयावान कौन से काले धंधे करता है। मुंह संभाल के बात करना साहब। तुम सब मेरे को ये बोलने को आया कि शंकर को हथकड़ी लगा कर ले गया? तुम सब क्या करता था, तमाशा देखता था? 38 बरस से कोई शंकर को हाथ नहीं लगाया, मैंने किसी को हाथ नहीं लगा दिया। क्या बोलता वो कमिश्नर, क्या चाहता वो? मुझे मालूम नहीं दयावान। तो मुझसे पूछा नहीं, तुम्हारे मुंह में क्या था लड्डू, क्या मुंह नहीं खोल सका? वो ऐसे भी किसी को भी रास्ते पे देखता है ना तो हाथ छोड़ देता है दयावान। हाथ छोड़ दे। तू बुड्ढा हो गया बुड्ढा, और तू तो बहुत जोरदार जवान है, तू नहीं पूछा उससे? पूछने से वो मारता है दयावान। मारता है और तू मारने से डर गया? खाकी वर्दी वाला तुमको कुछ बोलता तुम कांपता, बहुत बहादुर है। मेरे को देख, देख देख कितना मार खाया पुलिस का, कभी डरो नहीं, देख हाथ लगा कर देख, तेरा जैसा होता तो मर जाता मैं। किधर उसका घर, किधर कमिश्नर का घर? दयावान मालूम नहीं। मालूम नहीं कि डर के नहीं बोलता? किधर, किधर है उसका घर, बोलता काहे को नहीं? दयावान बाबा, मेरे को मालूम, मालूम है। कमिश्नर साहब को बुलाओ, जाओ बुलाओ। अनाथ ही मानती हूं।
हमारा बच्चा, मेरा नवासा। मैं नहीं चाहती किसे मालूम हो कि तुमसे इसका कोई रिश्ता। सरिता, मैं यहां हूं। देखो सरिता, मेरी 2 साल की कोशिशों का नतीजा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत शक्ति दयावान का अरेस्ट वारंट। मालूम नहीं, मालूम नहीं। कांच पाकर रखा उसे। बुढ़ाना साहब नहीं है इधर। बताओ कांच पाया उसे? एसी भी साहब, चल चल रहा, जल्दी चल। सारा घर छान मारा सर, यहाँ पर नहीं है वो। तूने बताया ना, सच बोल। कहाँ है वो? लीवर Thank you.
तो अभी तक तुम शक्ति दयावान को गिरफ्तार नहीं कर सके हो। हम जो कर सकते थे कर रहे हैं सर, मगर क्या करें, पूरी पब्लिक उसके साथ है। लोग मार खाकर भी पिटकर भी ये नहीं बताते कि वो कहां छुपा हुआ है। लोग उसके लिए जान तक देने के लिए तैयार है सर। कहीं ऐसा तो नहीं न सिर्फ पब्लिक बल्कि कुछ जिम्मेदार लोग भी उसकी मदद कर रहे हो? मैं समझा नहीं सर। कहीं कोई पुलिस का आदमी उसे पहले से खबर कर देता हो कि तुम उसे कहां ढूंढ रहे हो, कहां रेड कर रहे हो? कौन हो सकता है सर? शक्ति दयावान की दो औलादे हैं, ये तुम जानते हो? दोनों मर चुके हैं, शायद किसी हादसे में। हादसे में सिर्फ उसका बेटा मरा था, बेटी नहीं। सुना है कि बेटी ने किसी पुलिस ऑफिसर के साथ शादी की है। और ये रही उसकी तस्वीर। क्यों? मेरा आजादी के वास्ते, बहुत बड़ा कीमत दिया मेरा अपना लोग। अयो दयावान, आप अगर इस तरह रोएंगे तो हम लोगों का क्या हाल होगा? ये ठीक नहीं है यार, ठीक नहीं। तुम कमिश्नर को फोन मिलाओ। लेकिन दयावान, मैं जो बोलता वो करो, जाओ। वहां जा रहे कबूतर। हेलो हेलो अप्पा, अप्पा तुम हो ना? जी मैं शक्ति वेलू बोलता। अप्पा क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कमिश्नर साहब से बात कराओ। कमिश्नर मेरे को ढूंढता, उसको बोलो कल तुम्हारी मां का श्राद्ध है। उधर आकर मेरे को गिरफ्तार करो। नहीं, मैं नहीं बोलूंगी अप्पा, नहीं बोलूंगी। मैं जो बोलता बोलो। तुमको वो गिरफ्तार करेंगे तो क्या होगा मालूम है? मालूम है? नहीं, मैं नहीं बता सकूंगी। तो उसको बोलो। फोन पर कौन था, किससे बात कर रही थी तुम, क्या नहीं बता सकोगी? कौन था फोन पर? मेरे अप्पा थे। ये क्यों नहीं कहती कि शक्ति दयावान था? तुमने अपने आप को अनाथ कहकर मुझे धोखा दिया। क्या कह रहा था वो? क्या वो ये समझता है कि पुलिस से बचकर वो भागता रहेगा?
अगर वो पाताल में भी छुपेगा ना तो भी मैं उसे गिरफ्तार कर लूंगा। क्या जानना चाहता था वो कि कल पुलिस कहां रेड करने वाली है, या फिर ये कह रहा था कि वो कहां छुपने वाला है? ये नहीं कहा था अपा ने। तो फिर क्या कहा उसने? उन्होंने आपको लाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कल वो माँ का श्राद्ध कर रहे होंगे। उन्होंने कहा कल वहां जाकर आप उन्हें गिरफ्तार कर ले। ओम ग्रह गुण के तेना नाम पत्नी में तेना आम सिंदान कर श्यामी कर श्यामी। दयावान के खिलाफ एक बहुत बड़ा मुकदमा चलने वाला है, उसके लिए मुझे आपकी गवाही चाहिए। आप घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा, पुलिस आपकी हिफाजत करेगी। शायद आपको नहीं मालूम मिसेस सिंह, शक्ति दयावान समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं जानती हूँ एसीपी साहब, लेकिन आप मुझे ऐसी बात पर मजबूर मत कीजिए जो मैं नहीं कर सकती। मिसेस सिंह, गौर से देखिए इस तस्वीर को, ये एक पुलिस ऑफिसर और आपके पति की तस्वीर है जिन्हें एक बेरहम हत्यारे ने बेदर्दी से मार डाला। जानती है आप रतन सिंह का कातिल कौन है? रतन सिंह का कातिल है शक्ति दयावान। जानती हूँ। क्या ये सब कुछ जानते हुए भी आप उसके खिलाफ गवाही नहीं देना चाहती? हाँ। मगर क्यों? इसलिए कि अपने पति को जितना मैं जानती थी आपका डिपार्टमेंट नहीं जानता। वो पुलिस के नाम पे धब्बा था, उसका यही अंजाम होना था। आप अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए, जाइए। कमिश्नर साहब आओ बैठो। मैं आपसे कुछ मदद मांगने आया हूं।
कमिश्नर साहब, तुम इतना बड़ा अफसर, मेरे को जेल में डाला, मैं क्या मदद? बोलो। कल कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाली है। हो सकता है कि यह फैसला आपके खिलाफ हो, और यह भी हो सकता है कि आपको कि मेरे को मौत का सजा हो। परवाह नहीं कमिश्नर, मैं 10 बरस का था जब ही मर गया था। ये जिंदगी जो अब मेरे को मिला है, ये उन लोगों का वास्ते है जो मेरे लिए जान देने को तैयार है। मैं जानता हूं, लेकिन कल कोर्ट के बाहर बहुत भीड़ होगी, लोगों का गमो गुस्सा बढ़ता जा रहा है, दंगे फसाद का डर है, पुलिस के काबू करने में हो सकता है कई लोगों की जाने चली जाए। अगर आप चाहें तो यह खून खराबा रोक सकते हैं। रोकेगा? मैं मेरा लोग को रोकेगा। थैंक यू कमिश्नर साहब। शंकर को छोड़ दो। नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। तेरा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम शक्ति वेलू है। तेरे को मेरा नाम मालूम? मालूम मेरा नाम? जी नहीं। मेरा नाम भी शक्ति वेलू है। पापा,
शक्ति, तू जा शक्ति, तू अकेला नहीं रहे, मैं तेरे साथ हूँ, सारी पब्लिक तेरे साथ है, अक्का पब्लिक का दुआ तेरे साथ है शक्ति, तू जा शक्ति, तेरा कुछ नहीं होगा, तू जा शक्ति, तूने हमेशा सबका भला किया रे, तू जा, तेरा कुछ नहीं होगा शक्ति। शक्ति, ये शक्ति।